एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस बार हम लोग 11.6 का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें दिया गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 2:3 का अनुपात है। यदि बेलन का आयतन 16-17 सेंटीमीटर घन है तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि 16-17 सेंटीमीटर घन आयतन दिया हुआ है आपको बेलन का, और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में इनकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए आपको जो दिया है पहले तो ये लिखना है, दिया है बेलन के आधार और ऊंचाई का अनुपात अनुपात आधार, यहाँ की त्रिज्या आपको लिखना है, आधार की त्रिज्या, ओके, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो आधार की त्रिज्या मानते हैं R और ऊंचाई मानते हैं H, तो इनका अनुपात हमें दिया गया है। तो अनुपात बराबर जितना दिया गया है वो लिख लेना है आपको। तो ये दिया गया है 2:3, ये दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ लिखेंगे, माना बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 2x, त्रिज्या में x लगा देना है, तो ये एक्चुअल वैल्यू होगी। लेकिन हमें x का मान जब तक पता नहीं है तब तक हम वास्तविक मान नहीं बता सकते, लेकिन हम उसको अभी केवल लिख सकते हैं। r का जो त्रिज्या है उसका मान हो गया 2x। इसी तरीके से ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर ये हो जाएगी 3x। तो ये बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमें दिया गया है वो है आयतन। तो जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है आपको उसी का फॉर्मूला लगा देना है, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल सके। तो आपको लिखना है बेलन का आयतन जो दिया है, बेलन का आयतन ये दिया गया है 1617 सेंटीमीटर घन। लेकिन बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है π r² h, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 1617। बस अब आपको यहाँ से देखते जाना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। पाई का जो मान है वो है 22/7, r की जो वैल्यू है वो है 2x, लेकिन इस पे लगा है वर्ग, चूंकि सूत्र में वर्ग लगा है इसलिए हमें यहाँ वर्ग लगाना पड़ेगा, इनटू एच की जो वैल्यू है वो है 3x, बराबर हो जाएगा 1617। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करते जाना है, तो ये 22/7 गुणित 2 का वर्ग हो गया 4, x² और कोष्ठक हटा दिया तो गुणा का साइन और 3x बराबर में आ गया 1617। इसके बाद ये जो है हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 22/7 गुणित 4 3 12 और x² का x, तो x³ हो जाएगा बराबर 1617। इसके बाद हमें देखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं, केवल हमें यहाँ x छोड़ना है। तो 22/7 यहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 7/22 और 12/2 में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि x³ बराबर 1617, ये 22/7 का हो जाएगा 7/22, और ये जो गुणा में है ये आ जाएगा बटे में, तो ये x³ बना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 11 से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 11 दूनी 22, और यहाँ हम करेंगे तो 11 एकम 11, तो कितने बच गए 5, तो 51 हो जाएगा, 11 चौके 44, तो बच गए 7, 11 7 77। अब
ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ से और हम कैंसिल आउट निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, और ये हम यहाँ से 3 से भी काट सकते हैं, 3 चौके 12, और यहाँ 3 चौके 12 हो गया, तो बचे 2 3 9 27। तो देखते हैं क्या क्या बच गया। एक्स घन बराबर 49 को हम 7, ये बचा है पहले, तो हम इसको अभी लिख दे रहे हैं ऐसा, 49 × 7 / 4 × 2। अब हम इसको गुणा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इस तरफ घन लगा है, तो इसको हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तो अभी तोड़ देते हैं इसको। एक्स घन 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और गुणा में 1 7 पहले से था, तो ये भी लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 1 गुणा में 2 पहले से था। अब ये घन है तो इस तरफ आ जाएगा घनमूल, तो ये हम घनमूल साइन बना देंगे इस तरफ, तो 7 × 7 × 7 / 2 × 2 × 2, तो ये हमें एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करा देगा 7/2, और ये जो एक्स है इससे हमें पता चल जाएगा कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हमने बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई मानी थी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये त्रिज्या हमने 2x और 3x मानी थी, तो यहाँ मैं उसको वापस से लिखने वाला हूँ, तो घन की त्रिज्या आपको लिख लेना है, त्रिज्या जो है r बराबर है 2x, तो 2x की जगह पे आ जाएगा 7/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो मिलेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें आयतन सेंटीमीटर घन में दिया गया था, इसलिए हम उसको अंदाज लगा सकते हैं, और साथ में हमें ऊंचाई दी है, ऊंचाई h बराबर हमने मानी थी 3x, तो ये हो जाएगा 3 ज्यों कहते हैं x की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 21/7 या 21/2, सॉरी 21/2, ये 21/2 लिखा है, तो ये हमें दोनों वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन कह रहा था कि तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का अब हमें फॉर्मूला लगा देना है, और इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ मैं संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr r + h, तो 2π का मान 22/7, r की वैल्यू हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी, जो हमने निकाली है r की वैल्यू आई है हम लोगों की 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, और r की वैल्यू फिर से 7, और h की वैल्यू यहाँ देखिए 21/2, 21/2, ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, अभी नहीं करना है इनको कैंसिल, यहाँ ये अभी जी होंगे, तो 44/7, और ये इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 दूनी 22 दूनी 44, और यहाँ बचेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 + 21/2, और यहाँ जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको जोड़ देते हैं, ये 44 लिखा है सबसे पहले तो, और ये हो गया 35, 35/2, यहाँ से ये 22 हो जाएगा, तो 22 × 35, तो यहाँ हम जब गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा, यहाँ हम 35 दूनी 70 का सुन हाथ में आई 7, 35 दूनी 70 और 7 77, तो ये आएगा संपूर्ण पृष्ठ है चूंकि, तो ये सेंटीमीटर वर्ग में आ जाएगा, तो ये 770 आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करने ला है, और इसको यदि आप एक बार से सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे निश्चित ही बन जाएगा, ऐसा भी कोई कठिन नहीं है, मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए करवाया ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ सके, मेरा यही प्रयास है कि आप आने वाले 2018 बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लेके आए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, तो आप चैनल पे जाइए, और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि वीडियो नहीं है, और वीडियो होता भी है तो आप चैनल पर पूरी तरह से देखिए, वहाँ वीडियो आपको मिलेगा, बहुत से वीडियो हैं और आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।